देश में जहां हिंदू मुसलमान पर कांग्रेस बीजेपी में बहस छिड़ जाती है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस की मेव समाज की एक मुस्लिम विधायिका साफिया जुबेर ने विधानसभा में खुद को भगवान राम और कृष्ण का वंशज बता दिया। अब साफिया जुबेर की ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर कौन है खुद को भगवान राम और कृष्ण के वंशज बताने वाली मुस्लिम विधायिका साफिया जुबैर, और कौन होते हैं मेव समाज के ये लोग जिनका धर्म तो मुस्लिम है लेकिन रीति रिवाज बिल्कुल हिंदुओं जैसे। आगे बढ़ने से पहले आपको साफिया का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मेव समाज और खुद को भगवान राम और कृष्ण का वंशज बताया है। मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है, चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे, इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुंचे हुए, जब हम 3 विधायक यहाँ पहुंचे हुए तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुंच जाएंगे। मेवात को पिछड़ेपन से ना जोड़ देखा जाए, जितना ज्यादा हो सके मेवात में विकास होना चाहिए। इसके लिए मेवात बोर्ड भी बनाया गया था जिसका बजट पिछली बार 25 करोड़ था, मुझे लगता है उसको कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। इस बार का सारा बजट स्कूल्स में लगा है, रूम्स में लगा है, पूरा 100% बजट उसमें लगा है। और 3 विधायक यहाँ मेवात से आते हैं, 3 विधायक आते हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बढ़िया इलाके में हमारे होना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है। और मेव देखिए इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है, तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है, चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे, इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुंचे हुए, जब हम 3 विधायक यहाँ पहुंचे हुए। बता दें कि साफिया अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान की पत्नी। साफिया के पिता मोहम्मद उस्मान इंडियन आर्मी में मेजर रहे हैं। साफिया का जन्म हैदराबाद के आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। बता दें कि मुस्लिम धर्म से होने के बावजूद भी साफिया हिंदू धर्म में आस्था रखती हैं। पिछले साल सावन के महीने में भी साफिया चर्चा में आई थी जब उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और इसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। साफिया ने बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद रामगढ़ से चुनाव जीता था, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 100 हो गई थी, जबकि महिला विधायकों की 24। अब जरा मेव समुदाय के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मेव समुदाय के लोग उत्तर पश्चिमी भारत में रहते हैं। हरियाणा के मेवात में ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मेव अपने धर्म इस्लाम को तरजीह देने के साथ साथ हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को भी मानते हैं। यूपी के मथुरा जिले और राजस्थान में ये लोग रहते हैं। इनको मेव राजपूत भी कहा जाता है और ये ओबीसी मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं। भारत में इनकी संख्या की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक मेव समुदाय के लोगों की संख्या 30 लाख है, जिनमें से 20 लाख हरियाणा में रहते हैं। पाकिस्तान में भी एक बड़ी आबादी मेव समुदाय की है। ऐसा माना जाता है कि मेव हिंदू राजपूत जाट, अहीर और मीणा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी के बीच इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन इनमें से ऐसे भी लोग थे जो दिल से इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। ये लोग अपने रीति रिवाज और संस्कृति को छोड़ नहीं पाए, यही वजह है कि आज भी इनकी कुछ रस्में हिंदुओं से मिलती हैं। मेवातियों की शादी में निकाह तो होते हैं लेकिन रीति रिवाज बिल्कुल हिंदुओं की तरह। आज भी मेवों के नाम के आगे सिंह लगता है, राम सिंह, तिल सिंह, फतेह सिंह, ये मेवों के ही नाम है। शायद इसीलिए दुनिया में भारत जैसा कोई और देश नहीं जहाँ की विविधता में भी एकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए न्यूज़ तक के साथ जुड़े रहिए।